वहाँ जा करके जो है माता ने बुलाया है, कृपा हुई है, तो आज माता के दरबार हम लोग पहुँचे हैं। लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसको लेकर के हम लोगों ने माता से प्रार्थना की है। आज हमको एक मौका मिले, क्योंकि आपको भाग्यशाली समझते हैं कि माता के दर्शन। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव असम के गुवाहाटी पहुंचे हैं, जहां पर आज उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। देखिए किस तरीके से तस्वीरें निकल के आई हैं, लाल लाल चुनरी में क्या चमक रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो कि कल ही गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे, कल देर शाम उनकी फ्लाइट थी, सीधा वो असम पहुंचे, वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका खूब स्वागत किया एयरपोर्ट पर, जिसके बाद आज वो मां कामाख्या के मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने कहा है कि माता ने बुलाया है इसलिए मैं आया हूं। अब तो चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल देर शाम देश के 4 राज्यों सहित 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल असम में भी चुनाव होने हैं, कह सके तो तैयारियां पूरे जोर शोर से है। लेकिन अब तेजस्वी यादव तैयारियों में पूरी तरीके से व्यस्त हो जाएंगे, उससे पहले ही मां कामाख्या के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि लाल लाल चुनरी में तेजस्वी यादव कैसे चमक रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। कार्यक्रम तो 7 तारीख को संख्या में रैली करने का भी था, लेकिन अभी आचार संहिता लग गई और माँ के दर्शन का हमको पहले से ही काफी बार हमने प्रयास किया, लेकिन आज जाकर के जो है माता ने बुलाया है, कृपा हुई है, तो आज माता के दरबार हम लोग पहुंचे हैं। देश की सुख शांति को लेकर के सब लोग लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसको लेकर के हम लोगों ने माता से प्रार्थना की है। देश हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे और माँ का पुराना जय माता मक्का देवी की जय, शक्तिपीठ के तौर पे माँ कामाख्या का दिन भर में दुनिया भर में जो भी माता से मांगा गया है वो पूरा हुआ। इस सिलसिले में आज हमको एक मौका मिले, क्योंकि आपको भाग्यशाली समझते हैं कि माता के दर्शन। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने कहा कि माता ने बुलाया है, अब तो चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, उनके पिता लालू प्रसाद की तबीयत भी खराब है, उन्होंने कामना की है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। आज असम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कई कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात हुई है, कांग्रेस के असम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई है, उन तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है वो धीरे धीरे गर्माने लगी है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ना है, असम में भी चुनाव लड़ना है, तो इन दोनों जगहों पर पार्टियों की रणनीति क्या होगी, क्या ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस होगा या कोई महागठबंधन बनेगा बिहार जैसा ही। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज पूजा पाठ की है, पूजा अर्चना की है, तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाई हैं। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।